बहुत समय पहले की बात है, एक हरा भरा जंगल था। जंगल का मौसम बदल रहा था। सर्दी के बाद अब गर्मी का मौसम आ रहा था। सभी पक्षी जानते थे कि गर्मी में बारिश ज्यादा होती है। सभी पक्षियों को अब ये चिंता थी कि वो अपने घरों को मजबूत कर लें। मीनू चिड़िया और उसकी बेटी पिंकी भी इसी जंगल में रहती थीं। एक दिन मीनू पिंकी से कहती है, पिंकी चलो अब हम लकड़ियों से अपना घर बना लेते हैं और इसे पक्का कर लेते हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मम्मा इस बार आप मुझे भी घर बनाना सिखा देना। हाँ बेटी, अब आपके सीखने के दिन हैं। फिर माँ बेटी घर बनाने के लिए जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं। पिंकी बेटी सूखी और मजबूत लकड़ियों की खोज करो। मम्मा आप सूखा घास और मैं लकड़ियाँ ढूंढते हैं। फिर पिंकी जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, उसे एक सूखी लकड़ी का गट्ठा दिखाई देता है, जिसे देखकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है। वो उसके पास जाती है और मम्मा को आवाज़ देती है, मम्मा मम्मा जल्दी आइए, मुझे कटी हुई सूखी और मजबूत लकड़ियाँ मिल गई हैं। मीनू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। पिंकी बेटी ये लकड़ियाँ किसी ने काट कर रखी हुई हैं। लगता है कोई पक्षी इन्हें यहाँ रख कर भूल गया है। हम ये लकड़ियाँ ले जाते हैं। फिर मीनू और उसकी बेटी वो लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती हैं। वापस जाकर वो दोनों अपना घर बनाना शुरू कर देती हैं। पिंकी बेटी ऐसे पहले बड़ी लकड़ियों को जोड़ लेते हैं और छोटी लकड़ियाँ ऊपर रखते हैं। और मम्मा सूखा घास किस काम आएगा? उसे घर की छत में लगाएंगे। ऐसे वो माँ बेटी अपना घर बना लेती हैं। कालू हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारी लकड़ियाँ उठाकर कोई ले गया है। कौन हो सकता है वो जिसने हमारी लकड़ियाँ चुराई हैं? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं ढूंढ लूंगा उसे। अब जल्दी चलो, मैंने बड़ी मुश्किल से वो लकड़ियाँ काटी थी। अब गौरी और कालू दोनों दूसरे पक्षियों के पास लकड़ियों का पता लगाने के लिए चले जाते हैं। कबूतर नदी के किनारे मैंने एक लकड़ियों का गट्ठा काट कर रखा था, तुमने तो नहीं उठाई वो लकड़ियाँ? नहीं नहीं गौरी, तुम देख सकती हो मैंने तो अपना घर कुछ दिन पहले ही बना लिया था। आप चिड़ियों से पूछें, आज चिड़ियाँ अपना घर बना रही हैं। अगर चिड़िया आज अपना घर बना रही हैं, तो फिर हमारी लकड़ियाँ चिड़ियों ने ही ली होगी। गौरी और कालू भागे भागे चिड़ियों के पास जाते हैं। चिड़िया ने उन लकड़ियों से तो अपना घर बना भी लिया था। यही है हमारी लकड़ियाँ गौरी, मैंने पहचान ली हैं अपनी लकड़ियाँ। कालू भैया क्या हुआ, कौन सी लकड़ियाँ? इतनी मासूम ना बनो, नदी के किनारे के पास से जो लकड़ियाँ तुम उठा कर लाई हो वो मैंने काट कर रखी थी। हाँ कालू भैया, वो लकड़ियाँ मैं ही लाई हूँ। वो गट्ठा नदी के पास पड़ा था, मैं समझी कोई पक्षी वहाँ रख कर भूल गया है। तो फिर अब तुम भागो यहाँ से, मेरी लकड़ियों से घर बनाकर बड़ी अकड़ से बैठी हुई हो। आंटी मैंने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया है, हम आपको नई लकड़ियाँ ला कर दे देंगे, प्लीज हमसे हमारा घर तो ना छीनो। मैं एक लगाऊंगा तुमको, ये लकड़ियाँ हमारी थीं, तो घर भी हमारा ही हुआ ना। पिंकी बेटी हमसे गलती हो गई, अगर पहले पता होता तो हम वो लकड़ियाँ लाते ही नहीं। जो भी है अब ये घर हमारा है और तुम अपने लिए कोई दूसरा घर बना लो। अब चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू अच्छा हुआ जो ये चिड़िया हमारी कटी हुई लकड़ियाँ ले आई और अपना घर बना लिया, ऐसे हमें बना बनाया घर मिल गया। पिंकी बेटी अब नई लकड़ियाँ तो बहुत मुश्किल से मिलेंगी, आप जाओ अपनी टोनी चिड़िया को बुला कर लाओ। टोनी चिड़िया को मिट्टी का घर बनाना बहुत अच्छे से आता है, इस साल हम अपने लिए मिट्टी का घर ही बना लेते हैं। मम्मा क्या टोनी मिट्टी का घर बना लेगी?
हाँ पिंकी, आप जाओ और टोनी चिड़िया को बुला कर ले आओ। फिर पिंकी टोनी के पास जाती है। पिंकी बेटी, कैसे आई हो? आपकी मम्मा तो ठीक है? फिर पिंकी टोनी को सारी बात बताती है। इसमें गलती तो आपकी ही है जो आपने किसी की लकड़ियाँ उठाई। चलो अब मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर पिंकी टोनी को साथ लेकर आ जाती है। टोनी, वो सामने देखो, मैंने कितना सुंदर घर बनाया था। अब छोड़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ। आप दोनों हमें गीली मिट्टी दो। फिर सब मिट्टी के घर का काम शुरू करते हैं। कालू, देखो अब चिड़िया अपने लिए मिट्टी का घर बना रही है। मुझे मिट्टी के घर में रहना बहुत पसंद है। ये कौन सी बड़ी बात है? जब चिड़िया अपना मिट्टी का घर बना लेगी तो हम उसे ये घर देकर उससे मिट्टी का घर छीन लेंगे। सारा दिन काम करने के बाद टोनी पिंकी के लिए बहुत सुंदर मिट्टी का घर बना देती है। ये घर देखने में तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन बारिश के पानी में ये घर टूट जाएगा। टोनी, हम कुछ दिनों तक लकड़ियाँ लाकर ये घर मजबूत कर लेंगे। फिर टोनी वापस अपने घर चली जाती है। दोनों माँ बेटी बहुत ही थकी हुई थी, इसलिए वो जल्दी ही सो जाती हैं। एक दिन गौरी कालू से कहती है, कालू, चिड़िया का मिट्टी का घर बहुत ठंडा होगा। चलो हम चिड़िया से वो घर छीन कर उसे लकड़ियों का घर दे देते हैं। फिर दोनों मीनू के पास जाते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि आप मिट्टी के घर में रह रही हो। आप ऐसा करें कि आप अपनी लकड़ियों का घर वापस ले लें और मिट्टी का घर हमें दे दें। मीनू जानती थी कि वो घर बहुत मजबूत है और ये मिट्टी का घर इस बारिश के पानी से टूट जाएगा। ये घर बहुत सुंदर है, यदि आपको ये घर अच्छा लगता है तो आप ये घर रख लें और हमें वो लकड़ियों का घर ही दे दें। हाँ, मगर अब हम वो घर वापस नहीं करेंगे। ठीक है। फिर चिड़िया अपनी लकड़ियों के घर में चली जाती हैं। आसमान में बादल भी गहरे थे, बारिश भी होने वाली थी। कालू जी, मिट्टी का घर तो बहुत ठंडा है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर कौवे का घर पानी से टूट जाता है। हाय राम कालू, मैं मर गई। मुझे किसी बुरे काम की सजा मिली है। जो हमने चिड़ियों के साथ किया, हमें उसकी ही सजा मिल रही है कालू। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई किसी का बुरा करता है तो उसको भी हमेशा बुरा ही फल मिलता है। इसलिए हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको कहानी? ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।